वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार की करते हैं, जिनके बयान पर घमासान मच गया था। इंद्रेश कुमार के अहंकार वाले बयान पर जैसे ही सियासत गरमाई, उन्होंने अपने बयान से यू टर्न ले लिया। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने अपने बयान से यू टर्न लेते हुए कहा, जिसने राम भक्ति की वो सत्ता में लौट आए। कल कह रहे थे जिसने अहंकार रखा भगवान श्री राम ने उन्हें 240 तक समेट दिया, लेकिन आज कह रहे हैं कि जिसने राम भक्ति की वो सत्ता में लौट आए। आगे उन्होंने कहा कि मोदी की अगुवाई में देश आगे बढ़ रहा है। 13 जून को इंद्रेश कुमार ने अलग बयान दिया था, उन्होंने राम की भक्ति करने वालों को अहंकार आने की बात कही थी, और उसके बाद सभी की ओर से कयास लगाए जा रहे थे कि आरएसएस और बीजेपी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं। लेकिन अब आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार ने अपने बयान पर यू टर्न ले लिया। प्रभु श्री राम सब देख रहे हैं, 241 पर आकर रोक दिया जो अहंकारी थे। ऐसा है, हर पल, हर मिनट, हर घंटा, हर दिन देश तेज गति से तरक्की की ओर बढ़ रहा है। एट प्रेजेंट इस समय का सत्य ये है कि जो राम विरोधी राजनीतिक शक्तियां थी वो पराजित हो गई और सत्ता से बाहर है। उन्होंने ही ये भी घोषणा की थी कि लिख कर ले लें, घोषित करते हैं कि वो सत्ता में अब नहीं आएंगे राम भक्त लोग, और जो सब असत्य सिद्ध हो गया है। और दूसरी ओर आज बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की राम भक्तों की सरकार है। राम भक्त का अर्थ कोई वैसी आइडिया नहीं है, ये जमीन से जुड़े हुआ वो राज्य है और वो रचना है जिससे आदर्श कोई भी रचना नहीं हो सकती। इसलिए इस समय ये सत्य है कि जो राम भक्त है, श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वहाँ सरकार स्थापित हुई है। मैं आपके द्वारा सारे देशवासियों को और दुनिया को अपील करूँगा, वह आज की सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम जोड़कर, हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ें, और जो नए भारत को निर्माण करने का एक सपना चला आ रहा है उसको हकीकत दिन प्रतिदिन बदल रहा है, उसी तरह से उसको हकीकत में लाने के लिए भरपूर मदद करें। वैसे इंद्रेश कुमार ने जब अहंकार वाली बात कही थी तो विपक्ष ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया था, लेकिन अब इंद्रेश कुमार ने अपने बयान पर यू टर्न ले लिया। लेकिन अब आपको जल्दी से इंद्रेश कुमार के दोनों बयानों को एक साथ सुनाते हैं। पहले उन्होंने कैसे अहंकार वाला बयान दिया और उसके बाद उन्होंने कैसे यू टर्न ले लिया, आपको दिखाते हैं। जिन्होंने राम के धंधे के पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया, और उसका जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार का कारण हुआ। देश का वातावरण इस समय में बहुत स्पष्ट है, जिन्होंने राम का विरोध किया वो सब सत्ता से बाहर हैं, जिन्होंने राम की भक्ति का संकल्प लिया आज वो सत्ता में है। तो इंद्रेश कुमार ने जब अहंकार वाला बयान दिया तो लोग ये मानने लगे कि बीजेपी और आरएसएस में तल्खी है, और इन खबरों के बीच में अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आज गोरखपुर में आरएसएस चीफ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात। लोकसभा चुनाव के बाद जो नतीजे आए उसके बाद ये पहली मुलाकात। लोकसभा में हारी हुई सीटों को लेकर चर्चा की जा सकती है, एक तरफ तल्खी की खबरें, दूसरी तरफ ये मुलाकात। संघ प्रमुख मोहन भागवत गोरखपुर के दौरे पर हैं, वहां संघ के कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ उनकी चर्चाएं लगातार जारी हैं, और इन सबके बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उनसे मुलाकात हो सकती है। तो एक तरफ इंद्रेश कुमार का बयान, उन बयानों के अपने अपने मायने, और उन बयानों से जो बड़ा मायना निकलता है वो तल्खी का है, लेकिन उस तल्खी के बीच में ये मुलाकात, ये क्या रंग लेकर आएगी, क्या सब कुछ ठीक है, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसको लेकर अलग अलग तरह के कयास जो हैं वो सामने आ रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात आज योगी आदित्यनाथ से होगी, और खबर है कि दोनों के बीच में हारी हुई सीटों को लेकर मंथन किया जा सकता है। विनोद मिश्रा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विनोद, ये कितनी बड़ी मुलाकात, तब जब ये खबरें सामने आ रही हैं कि आरएसएस और बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है, और इंद्रेश कुमार ने जो बयान दिया था इन खबरों को और पुख्ता कर देता है। हाँ बिल्कुल, देखिए
दो बड़ी इम्पोर्टेंट जो मुख्य बातें, दो बहुत खास बातें हैं। एक तो जो संघ प्रमुख मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच जो केमिस्ट्री है, जो लोग इन दोनों को जानते हो, जानते हैं कि किस तरह की केमिस्ट्री इन दोनों के बीच में है। एक बहुत अच्छा रिलेशन आप कह सकते हैं कि सीएम योगी और मोहन भागवत के बीच में है, चूंकि मोहन भागवत गोरखपुर में है और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर पहुंच चुके हैं, तो माना जा रहा है कि इन दोनों के बीच मुलाकात भी हो सकती है और देर शाम की मुलाकात जो है वो होगी। चूंकि चुनावी समय है, हमने देखा है किस तरह से मोहन भागवत खुद भी चुनाव को लेकर कितनी बातें 4 जून के बाद बोल चुके हैं और किस तरह की बातें बोल चुके हैं। ऐसे में ऑब्वियस सी बात है, जब ये दोनों लोग मिलेंगे तो बातें चुनाव की भी हो सकती है। हालांकि संघ की कार्यप्रणाली ऐसी नहीं है कि वो चुनाव पर चर्चा करे या चुनाव की हार जीत का पर चर्चा करे, लेकिन ये जरूर जाना जाता है कि संघ से जब सीएम योगी मिलेंगे, संघ प्रमुख से जब सीएम योगी मिलेंगे तो ये बातें सीएम की तरफ से रखी जा सकती है या फिर ये बातें जो है मोहन भागवत की तरफ से भी रखी जा सकती है, तो दोनों में से कोई भी बात रख सकता है। चर्चा, जैसा कि अमन कहा जाता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेता बैठते हैं तो मंथन करते हैं, वैसा संघ नहीं करता उस तरह का मंथन। संघ अपनी बातों को रख देता है, उसको नाराजगी है, किसी बात से शिकायत है या कोई सुधार चाहिए या कुछ कोई भी बात हो तो रख देता है, तो वो रखेंगे बात को। माना यह जा रहा है कि जब सीएम योगी से उनकी मुलाकात होगी तो वो सीएम योगी जरूर उत्तर प्रदेश की बात को रखेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट था जिसने 2014 और 2019 में प्रचंड बहुमत दी और सबसे बड़ा झटका अगर बीजेपी को लगा है कैसे तो उत्तर प्रदेश ही है, तो उसकी वजह को बता सकते हैं, वो जरूर ऐसा कर सकते हैं, लेकिन संघ प्रमुख ऐसा पूछे ऐसा जरूरी नहीं है। दूसरा पॉइंट यह है कि संघ प्रमुख चूंकि अपने संघ के कार्यक्रमों के लिए गोरखपुर में है, लिहाजा संघ का उत्तर प्रदेश में विस्तार हो, सखाओं का विस्तार हो, उसको लेकर चर्चा होगी। जो संघ का एजेंडा उत्तर प्रदेश को खासतौर पर लेकर है उस पर भी बात होगी, चूंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, तो जब वो संघ प्रमुख से मिलेंगे तो संघ प्रमुख अपनी बातों को जरूर रखेंगे और इनमें उनका जो एजेंडा है संघ का उत्तर प्रदेश को लेकर खासतौर पर जो फोकस्ड एरिया है उसकी बात करेंगे। लेकिन चूंकि चुनावी समय है और पूरे देश में चुनाव के बाद जो नतीजे आए हैं तो माना जा रहा है कि ये मुलाकात खास इसलिए होगी कि चुनाव पर बात होगी। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर बात शुरू होगी मुख्यमंत्री की तरफ से रखी जाएगी तो बताया जाएगा कि क्या फलसफा होता है ये, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। बहुत शुक्रिया विनोद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। और इंद्रेश कुमार भले ही अपने बयान से यू टर्न ले चुके हों, लेकिन विपक्ष काफी हमलावर है, क्योंकि सबसे पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत का ही बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि जो सेवक होते हैं उनमें अहंकार नहीं होना चाहिए, तो संघ प्रमुख ने अहंकार की बात कही थी, इंद्रेश कुमार ने उसे आगे बढ़ा दिया। संघ से जुड़ी पत्रिका के लेख में एक संघ विचारक ने लिखा था कि अति आत्मविश्वास की वजह से उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं आए। अब संघ के बड़े नेता इंद्रेश कुमार ने भी कह दिया कि अहंकार की वजह से बीजेपी 240 से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाई। ऐसे बयानों के बाद से बीजेपी के विरोधी काफी ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं। इंडिया अलायंस के मन में मानो लड्डू फूट रहे हो, जो पहले से ही ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जीते नहीं है बल्कि हार चुके हैं। इस पर क्या रिएक्शन सामने आ रहे जरा वो सुनिए। रावण अहंकारी था, इसलिए प्रभु श्री राम ने रावण का पराभव किया, उनका वध किया। आज वही अहंकार राम के नाम पर चल रहा था, जनता ने अहंकार को रोक दिया है, पूरी तरह से पराजित नहीं हुआ है, वो काम आरएसएस को करना पड़ेगा। स्वयं सेवक संघ के पहले सबसे बड़े नेता ने बोला, अब उनके नंबर दो के नेता बोल रहे हैं और कह क्या रहे हैं कि भाजपा में अहंकार आ गया था। चुनाव के पहले नहीं दिख रहा था इंद्रेश जी आपको कि भाजपा की चाल में, ढाल में, सूरत में, सकल में उनके दोनों नेताओं के अहंकार भर गया, चलने से दिखता था अहंकार में। बीजेपी की सरकार और प्रधानमंत्री को इतना अहंकार था कि उसने आकाश छू लिया था, और मुझे नहीं लगता कि वो अहंकार अभी भी कम हुआ है।